दोस्तों सिंगल पार्ट शेड्यूल करें डेली या डबल पार्ट करें, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल ही गलत है आपका। ऐसा कोई दुनिया में प्रोटोकॉल नहीं कि सिंगल पार्ट करना है या डबल पार्ट करना है। जब आपने ट्रेनिंग किया, आज जो ट्रेनिंग किया, जैसे ही वो आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी इस फटीग से, ट्रेनिंग की थकान से, उसके बाद वो बॉडी पार्ट आपका रिपीट होना चाहिए। या तो जो बहुत एडवांस एथलीट है, जो बहुत टफ ट्रेनिंग करते हैं, बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके मसल को रिकवर करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, उनके लिए तो सिंगल पार्ट ठीक है। लेकिन 99% एथलीट हमारे वो 2 दिन बाद रिकवर कर जाते हैं। मैंने भी गेम किया और मैं इतने बच्चों को कराता भी हूँ, 2 दिन बाद आपका मसल रिकवर कर जाता है। देखो, जैसे ही मसल ने रिकवर कर लिया, अब वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए रेडी है। और आप वीकली जितने बार ट्रेन करेंगे मसल को उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा, लेकिन शोर मसल को नहीं करना आपने ट्रेन। अब वो रिकवर जल्दी हो, इसके लिए आपको पता ही है, अच्छा न्यूट्रिशन और पूरी स्लीप। अगर आप 2 दिन में रिकवर कर लेते हैं तो डबल पार्ट करें, पूरे 3 दिन में आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। आप 3 या 4 दिन में रिकवर करते हो तो सिंगल पार्ट करें। अगर आप हल्की फुल्की ट्रेनिंग करते हैं तो आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन रिपीट कर सकते हैं, यानी 3 बॉडी पार्ट पर डे भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितने जल्दी रिकवर करती है, उतना ही जल्दी आपने उस बॉडी पार्ट को रिपीट करना है। मैक्सिमम एथलीट 2 दिन में रिकवर कर जाते हैं, डबल पार्ट शेड्यूल बेस्ट है आप लोगों के लिए। अब कितनी एक्सरसाइज करें बड़े बॉडी पार्ट के लिए, 4 से 5 एक्सरसाइज, 4 सेट, 8 से 12-15 रेप तक आप जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डबल या सिंगल पार्ट का क्या मतलब कारण क्या है करने का। तो खासतौर से बिगिनर्स को ये मिथ होता है, आप डबल पार्ट करें बेस्ट है आपके लिए। थैंक यू।